दोस्तों आज मैं आपसे महाकवि सूरदास और उनकी कविता के बारे में बात करूँगा और सूरदास के दो पद भी आपके सामने रखूँगा और उनका अर्थ भी बताऊँगा सूरदास मध्यकाल के एक बड़े कवि माने जाते हैं मध्यकाल का मतलब है हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार वह मध्यकाल जिसमें भक्ति काल आता है मतलब पूर्व मध्यकाल सूरदास और मध्यकाल के सभी संत भक्तों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है इसलिए उनके जीवन की खोजबीन का काम हिंदी के विद्वानों और आलोचकों ने किया है और विद्वान और आलोचक तो वही अपने को मानता है जो दूसरे किसी से सहमत न हो इसलिए सूरदास के जन्म के बारे में उनकी मृत्यु के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में भी अनेक मत हैं सबने अपने अपने अनुसार उनके जन्म का समय तय किया है मृत्यु का समय तय किया है और पैदा होने के स्थान के बारे में भी अपनी राय जाहिर की है लेकिन तीन बातें सूरदास के बारे में निर्विवाद कही जा सकती हैं पहली बात ये कि वे पंद्रहवीं सदी में पैदा हुए थे और सोलहवीं सदी में दिवंगत हुए या मृत्यु को प्राप्त हुए दूसरी बात यह है कि उनके जन्म स्थान के बारे में लोगों का कहना ये है कि एक तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मथुरा के निकट रौनकता में पैदा हुए थे कुछ दूसरे लोगों की राय है कि वे दिल्ली के पास हरियाणा में सीही एक जगह है वहाँ पैदा हुए थे जाहिर है चाहे रौनकता में हो या सीही में हो इससे सूर की कविता में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो बात निर्विवाद है वह यह कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे सूरदास के तीन ग्रंथ माने जाते हैं एक तो सूरसागर दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली ये जो सूर सागर है उसको छोड़कर बाकी जो उनकी कविता की किताबें मानी जाती हैं उसके बारे में भी विद्वानों की अलग अलग राय है कि वे सूरदास के हैं भी या नहीं हम इस विवाद में भी आपको नहीं ले जाना चाहते लेकिन जो सर्वमान्य बात है वो ये है कि सूर सागर सूरदास की ही रचना है सूरदास के बारे में एक बात और सर्वमान्य है वो ये है कि सूरदास कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की वाल लीला और प्रेम लीला के गायक कवि थे इसीलिए शास्त्रीय भाषा में उनको वात्सल्य और श्रृंगार का कवि कहा जाता है और ठीक ही कहा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यह भी लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में सूरदास ने जो कुछ लिखा है उसके बाद कुछ लिखना लगभग कवियों के लिए असंभव हो गया इसीलिए प्रायः बातसल्य और श्रृंगार के बारे में परवर्ती जो हिंदी काव्य है बाद का जो हिंदी काव्य है उस सब पर सूरदास का गहरा असर है आपके सामने में सूरसागर के एक बड़े प्रसंग के पद सूर सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत का भ्रमर गीत में संक्षेप में यह स्थिति है कि कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण की प्रेमिकाएं गोपिकाएं उनके विरह में व्याकुल थी क्योंकि गोपियों का और कृष्ण का प्रेम अचानक पैदा हुआ प्रेम नहीं था गोपियों ने एक बार कहा भी था भ्रमर गीत का ही एक पद है कि लड़िकाई कै प्रेम कहो अली कैसे छूटत मतलब बचपन से कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम धीरे धीरे विकसित हुआ और वह क्रमशः प्रगाढ़ और होता गया कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद वहां से अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा दूत के रूप में पर ये जो दूत के रूप में उद्धव आए वो ज्ञानी पुरुष थे ये ध्यान रखिए कि प्रेम में ज्ञान सहायक नहीं बाधक ही होता है इसीलिए रीतिकाल के महाकवि घनानंद ने कहा था कि अतिशुधो स्नेह को मार्ग है जहा नेक उन नहीं प्रेम के रास्ते में थोड़ी भी चालाकी प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ देती है पर उद्धव तो बड़े भारी ज्ञानी समझते थे अपने आप को उनको अपने ज्ञान का गर्व भी था बल्कि कृष्ण ने उसी गर्व को खंडित करने के लिए गोपियों के पास भेजा कि प्रेम के सागर में जाकर नहाए आए तो ज्ञान का जो आवरण है वो हट जाएगा ये जो उद्धव आए गोपियों से बातचीत करने उसी बीच में एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आ गया अब ये भी ध्यान रखिए कि भ्रमर एक वास्तविकता भी है और एक प्रतीक भी है आप लोग सब लोग भ्रमर को जानते हैं पर प्रतीक भ्रमर इस चीज का है कि वो कृष्ण का प्रतीक बन गया है भ्रमर की विशेषता ये है आधुनिक काल के हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने एक कविता में लिखा है कि मधुप कब एक कली का है बिहारी कुंज गली का है मतलब भ्रमर जो है किसी एक गली या फूल से अस्थायी रूप से जुड़ा नहीं होता इसीलिए गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से जो कुछ कहती हैं वो तीन लोगों को संबोधित है स्वयं भ्रमर को उद्धव को और कृष्ण को भी तो आइए गोपियों ने उद्धव से जो कुछ कहा उसके प्रसंग में सूरदास के एक पद को हम देखें गोपियाँ गांव की स्त्रियाँ थी गोपियां किसी ज्ञानी से दबना नहीं जानती थी और वो गहरे व्यंग और विनोद भाव से उद्धव से बात करती है पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी गोपियों का असली इरादा तो ये कहने का है कि उद्धव तुम तो परम अभागे हो क्योंकि प्रेम से कभी तुम्हारा कभी कोई संबंध रहा ही नहीं है वह मनुष्य अभागा ही होगा जिसने कभी जीवन में प्रेम किया ही न हो पर गोपियाँ यह कहने के बदले क्योंकि यह सीधे कथन होता व्यंग कर रही हैं कविता भी बेहतर बन रही है ऊधो तुम हो अति भागी अपरस रहत स्नेह तगाते ना मन अनुरागी पुरैन पात रहत जल भीतर तार रस देह न दागी ज्यों जलमाह तेल की गागर बूद ताको लागी प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी ज्यो पागी उधो तुम हो अति भागी उधो तुम तो बड़े भाग्यवान हो अपरसरहत स्नेह तगाते तुम प्रेम के धागे का स्पर्श तुम्हें हुआ ही नहीं न धागे ने तुम्हें छुआ न तुमने धागे को छुआ ना ही न मन अनुरागी और तुम्हारे मन में कभी प्रेम पैदा ही नहीं हुआ कैसे हो तुम दूसरी उपमा गोपियों ने दी कि जैसे पुरैन का पत्ता कमल या पुरैन का पत्ता पत्ता भी होता है और कमल हो तो फूल भी होता है वो पानी में ही रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर रस देह न दागी लेकिन जल में रहने के बावजूद जल की एक बूंद उस पर ठहर नहीं पाती वही हालत तुम्हारी है गोपियों ने एक और उदाहरण दिया कि ज्यो जलमा ही तेल की गागर बूंद न को लागे अगर एक तेल से भरी हुई गगरी पानी में डुबा दी जाए तो उस पर एक बूंद पानी टिकता नहीं है वैसे ही हो तुम प्रीत नदी में पाओ न बोर तुमने प्रीत या प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा है नहाना तो छोड़ दीजिए दृष्टि न रूप परागी और तुम्हारी जो आंखें हैं उनमें रूप का पराग रूप की आभा कभी ये तुम्हारे आंख में लगी ही नहीं या आंख तुम्हारी वहां तक पहुंची ही नहीं गोपियों ने गहरे व्यंग के बाद अत्यंत विनय के साथ यह कहा कि सूरदास अबला हम भोरी हम स्त्रियां तो भोली स्त्रियां हैं गोपियां भोली मैंने सीधी साधी तो हम तो गुड़ में जैसे चीटी सट जाती है और मर जाती है तो भी उससे अलग नहीं होती उसी तरह हम कृष्ण और उनके प्रेम से अविभाज्य रूप से संबद्ध हैं हम उनसे दूर हो ही नहीं सकते इसलिए तुम्हारा सारा उपदेश हमारे लिए व्यर्थ है एक और पद देखिए यह भी गोपियों के अपार प्रेम का प्रमाण है मन की मन ही माझ रही कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही आधार आस आवन की तनमन बिथा सही अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही होती गुहार जीताहिते उतते धार बही सूरदास अब धीर धरह क्यों मर्यादा न लही गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही माझ माने मध्य माने हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई हम लोग कृष्ण से अपनी पूरी बात नहीं कह पाई आगे कहती हैं कि कहिए जाय कौन पे उधो ना ही परत कही देखिए प्रेम एक ऐसा भाव है कि जब वह गहरे स्त्री या पुरुष के मन में होता है तो कुछ कहते नहीं बनता आधुनिक काल के एक कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर उन्होंने इसी भ्रमर गीत की कथा को उद्धव शतक नाम के अपने काव्य में रखा है उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि कहते न बने सहते न बने मन ही मन पीर पीर वो करे प्रेम की व्यथा न कहते बनता है न सहते बनता है पर मन में व्यथा दुख पीड़ा तो रहती ही है वही बात गोपियाँ कह रही हैं कहिए जाय कौन पे उधो ना ही परत कही किससे जाकर कहें कहा नहीं जाता हम लोग तो अवधि आधार आस आवन की हम लोग तो कृष्ण यह कह कर गए थे कि हम कुछ दिनों में लौट आएंगे जो समय देकर वो गए थे अवधि काल जो बता गए थे हम तो उसी के आधार पर जीवित थे और शरीर और मन दोनों की व्यथा सह रहे थे अब बदले में तुम योग का संदेश लेकर आए हो तो यह सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे गांव के मुहावरे में जले पर नमक छिड़कने जैसा कि हम और भी अधिक गहरे वियोग में डूब गए हैं और जल रहे हैं हम जिससे अपने प्रेम के पाने की उम्मीद करते थे मतलब कृष्ण से और जिससे अपने दुख से छुटकारे की उम्मीद करते थे उधर से ही ज्ञान और योग की ऐसी धार आई है कि उसमें हम डूब उतरा रहे हैं जात बहे मन बह रहे हैं इसलिए अब हमारे जीवन की भी कोई आस नहीं है कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं गोपियां, गोपिया, सूर की गोपियां कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरो क्यों हम कैसे धीर धरें कहीं कोई हमारे धीर धैर्य का आधार नहीं है कोई बांध नहीं, नहीं है कोई आड़ नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको थाम कर पकड़ कर हम अपना दर्द सहें इस प्रक्रिया में गोपियाँ अपनी व्यथा को उद्धव से कहती मैंने पहले ही आपसे कहा था कि गोपियाँ गांव की स्त्रियां हैं इसीलिए उनमें दो प्रवृत्तियाँ साथ साथ दिखाई देती हैं की प्रवृत्ति विरोध की प्रवृत्ति और स्वयं अपनी निरीहता की प्रवृत्ति ये सब गोपियाँ व्यक्त करती हैं महाकवि सूरदास ने गोपियों की बिहवलता बेचैनी निरुपायता सबको एक साथ व्यक्त किया है और साथ ही भ्रमर उद्धव और कृष्ण तीनों पर गहरा व्यंग किया है जिसको पढ़कर और सुनकर किसी भी श्रोता और पाठक का मन प्रसन्न हो जाता है